नाइन्थ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला करैक्टर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल आप देख लीजिए जहां जहां मैं मूव करूंगा वही मैं पढ़ रहा हूँ तो पार्ट जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज दूसरा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम कहता है जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं इनके बीच में आपस में जगह होती है द मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देर इज अ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स ए ठीक है तीसरा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट बट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन जैग कंडीशन ठीक है चौथा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कशिश होती है एक दूसरे की तरफ देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर एंड सो देर इन अ मैटर अब शॉर्ट में इन सबको समअप करेंगे एक और क्वेश्चन है जैसे यही था वाट आर द करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हमने पढ़े हैं उन्हीं को हमें वापस लिखना है द करेक्टरिस्टिकार्टिकल्स ऑफ मैटर आर है वन द पार्टिकल्स मैटर आर वेरी स्मॉल नंबर टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन डैम नंबर थर्ड particles of matter are constantly moving. The particles of matter attract each other. वही वाले हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि ये आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इनके बीच में जगह होती है और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिल्कुल छोटे होते हैं ठीक है थैंक यू